संस्कृति की प्राचीन धरोहरें हैं। इनको सजाकर रखना स्थानीय गाँव वासियों के लिए एक बड़े गर्व की बात है। बस यही शब्द गुरुवार 26 सितंबर को रेडियो दूरदर्शन के पहाड़ी लोक गायक कुलदीप सिंह राणा व जितेंद्र राय को साथ लेकर धरोवर गांव गरली पहुंचे धर्मशाला शहर के ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान एवं लोक कला सम्मान पुरस्कार विजेता जयमेन सिंह गुरेलिया के पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहे, आज हमें सौभाग्य मिला है जिला कांगड़ा क्रीड़ा संगठन की ओर से, और क्योंकि यहाँ पे जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं जो हैं वो आयोजित हो रही हैं और आज इसका शुभारंभ हुआ है। 25 से 28 तक 4 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और मेरे साथ हमारे जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो कन्वीनर हैं आदरणीय श्री जितेंद्र राय जी, और साथ में हमारा जो कार्यक्रमों में जो सहयोग और निर्णायक की भूमिका निभाते हैं आदरणीय श्री कुलदीप राणा जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस रोड गांव में आके धन्य हो गया हूँ और हम सब धन्य हो गए हैं, क्योंकि अक्सर हम सुना करते थे कि धरोहर गांव है यहाँ पे, तो क्या ऐसी क्या चीज़ होगी जो धरोहर के रूप में देखने को मिलेगी। तो अब जब हमने बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें और पुरानी हवेलियाँ देखी जो लगभग 100 वर्ष से भी प्राचीन है, तो हमें ये लगा कि वाकई ऐसी धरोहर जो है उसको हमें संरक्षण और उसको संवर्धन हमें करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि कम से कम जो मैं लोक संस्कृति की बात कर रहा था, तो कम से कम लोक संस्कृति के संरक्षण में हमारा कोई ना कोई जो योगदान होना चाहिए और हम आने वाली पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति से जरूर रूबरू कराएं, क्योंकि जैसे आजकल पाश्चात्य संगीत जो है हमारे संगीत पर हावी हो रहा है और इस तरह से लोक जो है वो लुप्त हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस लोक को इन बच्चों को देना जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना जो है, ये हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और हम ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं चाहे किसी भी मंच से, चाहे वो विभाग की तरफ से हो, चाहे किसी अन्य किसी और माध्यम के तरफ से हो, चाहे जिला भाषा अधिकारी के सदन्य से हो, नहरी विभाग के सदन्य से हो, तो ये इनके भी प्रयास यही रहते हैं कि हमारी पीढ़ी को जो आगे ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलें और इनका संरक्षण जो है वो कर सकें। दिव्य हिमाचल जो है वो एक हमारा हिमाचल का अग्रणी समाचार पत्र है और आदरणीय सोनी जी इसके जो हैं संपादक हैं, और क्योंकि मैं धर्मशाला से हूँ तो हमारी जो जितनी भी हमारी गतिविधियाँ जो धर्मशाला से संचालित होती हैं उनमें दिव्य हिमाचल का विशेष योगदान रहता है। पहले तो समाचार पत्र में, लेकिन अब वो वीडियो के माध्यम से भी, उनका अपना एक न्यूज चैनल है उसके माध्यम से वो जो है वो हमारी लोक संस्कृति को भी दर्शा रहे हैं और जितनी भी हमारे जो इवेंट होते हैं किसी प्रकार के, तो समाचार पत्रों के माध्यम से या जो चलचित्रों के माध्यम से वो चीज़ें जो हैं वो आज दुनिया के सामने वो ला रहे हैं।